जौनपुर माँ शीतला चौकिया धाम जौनपुर, जो जौनपुर की पहचान व आस्था का प्रमुख केंद्र है, जहाँ विगत वर्ष के भांति इस वर्ष भी 7 नवंबर 2022 को देव दीपावली का भव्य आयोजन होने जा रहा है। बताते चले, इसके लिए मंदिर महंत विनय त्रिपाठी ने आमंत्रण हेतु समाज सेवी दिलीप तिवारी को सौंपा, जो तमाम समाज से जुड़े कार्यों में गरीब परिवारों के लिए, सभी वर्ग और समुदाय के लिए अपने को समर्पित कर सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं। इस बार माँ शीतला चौकिया धाम के आमंत्रण कार्यालय आमंत्रण का कार्य उनके हाथों में सौंपा गया। जनपद ही नहीं अपित पूरे भारत के अलावा विदेशों में भी अपने साफ सुथरी छवि अच्छे कार्यों से जाने जाते हैं। वैसे भी दिलीप तिवारी समाज सेवी द्वारा माँ शीतला चौकिया धाम, जहाँ पर 5 लाख का ताला ये एक आवाज उन्होंने दी, आपको बताते चले कि जिला प्रशासन के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार तक कुछ ही क्षणों में खलबली मच गई और माँ शीतला चौकिया धाम में कुछ ही घंटों में वो ताला खोलकर आम जनता को समर्पित किया गया, जिसमें यात्रियों को विश्वास करने के लिए बनाया गया था। विगत कितने दिनों से वो ताला बंद था, यही है वो दिलीप तिवार, जिन्हें भारत माता के लाल के नाम से जाना जाता है, जो माँ शीतला चौकिया धाम इस समय जौनपुर ही नहीं अपित उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की निगाह पर भी चल रहा है। बताते चले ऐसा क्यों है, कितने राजनेताओं के, कितने बड़े बड़े ठेकेदारों के, कितने ऐसे जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, उनकी रात की नींद खराब हो गई। उसका प्रमुख कारण भारत माता के लाल समाज सेवी दिलीप तिवारी हैं, जिन्होंने माँ शीतला चौकिया धाम चौहा कुंड के लिए 3,44,29,000 का जो भ्रष्टाचार, उसके लिए आज तक किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं जुटाई या जरूरत नहीं समझी। वहीं दिलीप तिवारी ने प्रमुखता से इस बात को रखा। आम जनता ने दिलीप तिवारी की इस बात को गंभीरता से लेते हुए हाथों हाथ अपना समर्थन दिया। हर समय लोगों के जुबान पर ये बातें चली, प्रशासनिक हो या राजनीतिक या फिर ठेकेदारी या किसी वर्ग के लोग, सब लोगों ने इस बातों को जाना कि माँ शीतला धाम में इतना बड़ा भ्रष्टाचार किसके द्वारा हो रहा है। कल दिलीप तिवारी द्वारा होने वाले कार्यक्रम के लिए आम जनता को आमंत्रण माँ शीतला धाम से दिया जा रहा था। माँ शीतला के बेटे हैं, माँ का जो आदेश है उसका पालन करेंगे। किसी भी दबाव या किसी भी परिस्थिति में माँ शीतला के लिए अपने आप को समझौता नहीं कर सकते, क्योंकि तमाम लोगों का फोन उनके पास इस मामले को रोकने के लिए आ रहा है। इसलिए उन्होंने खुले शब्दों में ये चीजें बोल दी, जब तक भ्रष्टाचारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं हो, चाहे वो जो भी हो जिसने माँ के इस कार्य में बंटर बात की है, तब तक वो रुकने वाले नहीं है, क्योंकि आस्था के केंद्र में माँ शीतला की बात है। ये पैसा आम जनता का पैसा है। साथ में दिलीप तिवारी ने एक बात आम और गरीब परिवारों के लिए भी बोली, कृपया सुंदरीकरण में ऐसे परिवारों का भी ध्यान रखा जाए जिनकी जीविका माँ शीतला से चलती है। लोगों ने दिलीप तिवारी की इस बात को लेकर अपना जोरदार समर्थन दिया। कार्रवाई की मांग कर जौनपुर जनपद ही नहीं बल्कि प्रदेश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी हो रहा है, तो सोशल मीडिया पर एकदम साफ तरीके से देखा जा रहा है। दिलीप तिवारी द्वारा 7 तारीख को सब परिवार माँ शीतला चौकी धाम में आमंत्रण आम जनता के लिए दिया गया। उनके वक्तव्य में कहा गया कि आप स्वयं माँ शीतला के लिए अपनी उपस्थिति सपरिवार दर्ज कराएं, आप सभी का अभिनंदन व स्वागत। माँ शीतला चौकिया धाम में सबसे अच्छी बात यह है, आम जनता होने वाले कार्यक्रम के साथ साथ वहां पर 3,44,00,000 के भ्रष्टाचार को भी देखने के लिए आतुर है। आम जनता में चर्चा का विषय बना पड़ा है, जिसके लिए लोगों के अंदर भारी आक्रोश भी है। दिलीप तिवारी ने सभी को हृदय से धन्यवाद दिया। जय माता दी। माँ शीतला धाम चौकिया, जहाँ पे विगत काफी दिनों से चर्चा का विषय बना था, 50 लाख का ताला, 3,44,00,000 का कुंड निर्माण में जो था, वहीं पे एक कड़ी आज माँ शीतला चौकिया धाम से आपको आमंत्रण देने के लिए आज हम उपस्थित हैं, क्योंकि मंदिर प्रशासन बार आपको सब परिवार आमंत्रित कर रही है। माँ शीतला चौकिया धाम से आपको आमंत्रण है। पंडा जी भी बैठे हैं हमारे ठीक पीछे, मैं उनके भी आमंत्रण उनके मुख से भी आपको सुनवा दूंगा, क्योंकि माँ शीतला चौकिया धाम का 7 तारीख को देव दीपावली का जो बृहद कार्यक्रम होता है, और इस बार क्योंकि शास्त्र से जुड़े बड़े बड़े प्रकांड विद्वान भी आज उपस्थित हो रहे हैं, मैं कार्ड भी आपके साथ अटैच लगा रहा हूँ। 7 तारीख को माँ शीतला चौकिया धाम जौनपुर में आप सब परिवार आमंत्रित हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे सब परिवार आमंत्रण के लिए निवेदन कर रहा हूँ। आप सभी श्रद्धालु जन से भक्तगणों से निवेदन है कि 7 तारीख को माता शीतला चौकिया धाम में आए। तालाब में बहुत ही भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम रखा गया है, देव दीपावली का। मनोज तिवारी मृदु जी भी आ रहे हैं और इस प्रदेश के तमाम हस्तियां, इस प्रदेश की तमाम हस्तियां माता जी के दरबार में मत्था टेकेंगे आकर के, और इसी के साथ आप सभी को आमंत्रित करते हैं। माँ शीतला चौकिया धाम में 7 तारीख को जो देव दीपावली का कार्यक्रम हो रहा है, उसके लिए आप सभी सपरिवार
आमंत्रित हैं, क्योंकि माँ शीतला चौकिया धाम जौनपुर की पहचान है, हम लोगों की कुल देवी है। अतः आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप सभी 7 तारीख को देव दीपावली में जरूर आए। 50,000 दीपों से माँ के 50,000 है ना, पांच लाख, सवा लाख, क्षमा चाहता हूँ, 1,25,000 दीप है माता के सामने है, क्योंकि बेटा माँ के सामने ही बोल सकता है और अपनी बातों को रख सकता है, तो अनुमति माता से लेके मैंने किया है। और आप सबकी उपस्थिति, गरिमामय उपस्थिति, क्योंकि आप ये इंतजार मत करिए कि कोई आपको कार्ड भेजेगा, क्योंकि माँ का दरबार है, सबका दरबार है और मैया सबकी है, सबको आमंत्रण भेज रही है, इसलिए आप सबकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। आपका दिलीप तिवारी, मिशन जिंदगी। इस समय जहां जिसके चरण में आने के बाद सब कुछ मिल जाता है, मैं उन्हीं के सामने हूँ। और सौभाग्य है, हृदय से आभार व्यक्त करूंगा मंदिर प्रशासन को कि आपने माँ के सामने मुझे कैमरा रिकॉर्ड करने के लिए अनुमति दी, उसके लिए धन्यवाद। और माता रानी का ये आशीर्वाद है। फिर से मैं बोलूंगा, 3,44,00,000 का जो भ्रष्टाचार है, माँ के सामने मैं बोल रहा हूँ। और ये संकल्प है कि जो लोग ये सोच रहे थे कि दिलीप तिवारी की आवाज रुकेगी, माँ के सामने खड़ा होकर इस बात को बोलता हूँ कि 3,44,00,000 का जो भ्रष्टाचार हुआ है माता का, उस भ्रष्टाचार में दिलीप तिवारी की आवाज कहीं नहीं रुकेगी। क्योंकि जब माँ बेटे का उंगली पकड़ के चला रही है, तो जैसे वो चाहेंगी वैसे चलेगा। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगा, क्योंकि आपके जांच कमेटी, मुझे आज बताया गया कि जांच के लिए पत्रक गया है, उस जांच से नहीं कुछ होगा। सुंदरीकरण का मतलब, जैसे मैंने निवेदन किया था बाबा विश्वनाथ की नगरी में सुंदरीकरण हुआ, उसी तरह जौनपुर के शीतला धाम चौकिया में। लेकिन सुंदरीकरण करते समय एक चीज का और ध्यान रखना है कि किसी के पेट पे लात न पड़े, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी परिवार जी रही है माँ के चरणों में ही जी रहे हैं। इस चीजों का भी विशेष ध्यान रखा जाए कि उनके पेट पे कहीं पे लात न पड़े, इस चीज का विशेष ध्यान रखते हुए एक ऐसी व्यवस्था माँ के लिए चरण में बनाया जाए जिससे सबका पेट चलता रहे। क्योंकि मैं वो भी वीडियो डालूंगा कि माँ के माध्यम से ही कितने परिवार की जीविका चलती है, उनके परिवार पल रहे हैं। तो इस तरह की भी निवेदन है मेरा, इस व्यवस्थाओं को बनाते हुए उन परिवारों का भी ध्यान रखा जाए। और माता जी रानी की कृपा से 3,44,00,000 का जो भी भ्रष्टाचार माँ शीतला के लिए हुआ था, उसके लिए तुरंत संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई जिस तरह हो रही है, पुनः एक अच्छी व्यवस्था माँ शीतला चौकिया धाम के लिए होना चाहिए, माँ के चरणों में होना चाहिए। इन्हीं सब लोग साथ दिलीप तिवारी।